शाहजहाँपुर में किसान विरोधी बिल एवं डीजल पेट्रोल के बढ़ते दामों का विरोध जताते हुए स्थानीय बस स्टैंड पर ब्लॉक कांग्रेस द्वारा एक दिवसीय धरना दिया गया। आपको बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा किसान विरोधी 3 बिल पास किए गए हैं और लगातार डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, जिसका ब्लॉक कांग्रेस पुरजोर विरोध करती है। ब्लॉक कांग्रेस के नेतृत्व में केंद्र की भाजपा सरकार का विरोध जताते हुए धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया, जिसमें कांग्रेस के पदाधिकारियों सहित बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। आज ये प्रदेश कांग्रेस के आह्वान पर सभी ब्लॉक स्तर में ये धरना प्रदर्शन हुआ मध्य प्रदेश में, और उसी के संदर्भ में हम इकट्ठे हुए हैं। ये जो काला कानून आया है किसानों के अहित में, 3 काले कानून, उनको वापसी के उसमें, साथ ही पेट्रोल डीजल और गैस के जो दाम निरंतर बढ़ रहे हैं, उसके लिए हमने आज धरना प्रदर्शन करा है कि भाजपा की जो केंद्र में सरकार बैठी है, प्रदेश में सरकार बैठी है, घूमी फिरी सरकार, उसको जगाने का आज हम सब लोगों ने काम किया। कांग्रेस भाजपा ने जो किसान विरोधी बिल पास किए हैं, उसके लिए जो किसान आंदोलन कर रहे हैं, क्या आप उनके भी साथ में खड़े हैं? बिल्कुल, कंधे से कंधा मिला कर हम खड़े रहेंगे, और अगर ये कुछ दिनों में अगर इसकी वापसी लेने की प्रक्रिया शुरू नहीं होती है तो मध्य प्रदेश से भी किसानों के दल दिल्ली के लिए कूच करेंगे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर आज का धरना प्रदर्शन केंद्र की किसान विरोधी सरकार के इस किसान बिल के खिलाफ, पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि के खिलाफ, गैस की सिलेंडर में जो लगातार वृद्धि हो रही है उसके खिलाफ किया गया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार इस कानून को वापस नहीं लेती है तो आगे कांग्रेस पार्टी के लाखों कार्यकर्ता किसानों के साथ दिल्ली बॉर्डर की तरफ कूच करेंगे। धन्यवाद। शाहजहाँपुर से दिलीप सौराष्ट्री की रिपोर्ट।